अग्रवाल समाज चेतना फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से महाराजा अग्रसेन का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रधान व फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एवं प्रभारी हरियाणा विकास सिंगला बोले, भगवान राम के वंशज शब्द महाराजा अग्रसेन को महान कर्मों के लिए उन्हें युगो युगांतर तक याद किया जाएगा। अम्बाला छावनी की पुरानी अनाज मंडी में अग्रवाल समाज चेतना फाउंडेशन नई दिल्ली की ओर से भगवान राम के वंशज महाराजा अग्रसेन जी के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया और लड्डू बांटने के साथ साथ आतिशबाजी भी की गई, जिसमें मुख्य रूप से ट्रेडर्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विकास सिंगला, जो कि फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव एवं प्रभारी हरियाणा उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान राम के वंशज महाराजा अग्रसेन द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इस मौके पर विकास सिंगला ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी की जयंती अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के पहले दिन को अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि महाराजा अग्रसेन द्वारा एक ईंट और एक रुपया के सिद्धांत की घोषणा की गई थी, जिसके अनुसार नगर में आने वाले हर नए परिवार को नगर में रहने वाले हर परिवार की ओर से एक ईंट और एक रुपया दिया जाए, ईंटों से वह अपने घर का निर्माण करे। इस सिद्धांत की घोषणा के बाद महाराजा अग्रसेन जी को समाजवाद की प्रेरणा के रूप में नई पहचान मिली। आज महाराजा अग्रसेन जयंती बहुत ही खुशी के साथ मनाई गई और इसके अंदर सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित किए गए, उसके बाद महाराजा अग्रसेन जी को माल्यार्पण करी, उसके बाद आतिशबाजी हुई और उसके बाद मिठाइयाँ बांटी गई। और एक आज दिवाली ऐसा माहौल है और इसके लिए हम ऐसे कार्य करते रहेंगे। और महाराज अग्रसेन जी का बहुत ही बड़ा समाज के अंदर योगदान है। ये संस्था हमारी संस्था है अग्रवाल समाज चेतना मंच, तो इसके लिए हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं जो उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, उनको इसी के लिए प्रोत्साहन करना, ताकि वो उच्च पदों पर रहकर ये कार्य कर सके। और अग्रवाल समाज की महिलाओं को भी काम कराने के लिए इसके अंदर उद्देश्य है और चिकित्सा के लिए भी इसके अंदर कहा गया है, और ये उद्देश्य हम सब मिलकर ही पूरा कर पाएंगे और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो आज ये ट्रेडर वेलफेयर सोसाइटी अम्बाला का मैं प्रेजिडेंट हूँ, तो उसके अंदर भी आज ये सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और हमने बड़ी खुशी के साथ इसको आज मना रहे हैं।